से हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, SSC GD की आंसर की ने बहुत ही परेशान कर रखा था हमें पिछले कुछ दिनों से कि आंसर की कब आ रही है। YouTube पे लाखों वीडियो मिल रहे थे आंसर की इस दिन आ रही है, अब आ रही है, परसों आएगी, कल आने वाली है, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन अब जो है इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, फाइनली अब जा कर के आंसर की आई है। तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी बात ये कहनी है कि मेरे जो 6000 क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं, यानी कि उसमें से आपको 3000 क्वेश्चन जनरल नॉलेज यानी GK के और 3000 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं। अगर आप NTPC ग्रुप डी, JEE या फिर जेल वार्डर एंड फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें होगा क्या, 3000 क्वेश्चन GK के और 3000 करंट अफेयर्स के होंगे, जिसमें आपको क्या होगा कि जब आप JEE या ग्रुप NTPC की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 500 जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कई बार पूछे जा चुके हैं, वो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उनको क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा है, इतना टाइम लगा आपको बता नहीं सकता। एक एक बुक को उठाया है, कई सारी वेबसाइट्स पर देखा है, तब जाके वो क्वेश्चंस कलेक्ट किए। और आपको बाकी करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि 2018 का संपूर्ण करंट अफेयर्स होगा, उसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो होंगे, प्लस आपके जो है 2019 के अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो होंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होना, वो आपको 6000 क्वेश्चन की PDF मिलेगी, लेकिन वो आपको PDF जो मिलेगी एकदम फ्री मिलेगी, उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही सुना आपने, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि एक दो दिन में वो आ ही जाएगा, समझ लो टाइप होगा कुछ बचे हुए हैं, तो जैसे ही वो आ जाएगा तो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो आपको बताऊंगा कि कैसे क्या आपको लिंक मिलेगा, कहां से PDF डाउनलोड करेंगे। 6 लिंक होंगे तो आपके 1000 की 6 PDF होंगी। ठीक है, 1000 क्वेश्चन की, तो कैसे क्या डाउनलोड करना है मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा अच्छे से। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके 6000 क्वेश्चंस की PDF निकल जाएगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत यूजफुल रह सकती है, क्योंकि आप सारे वीडियो देखें इतना भी तो नॉलेज नहीं रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 6000 क्वेश्चन आपने रख लिया और परीक्षा के टाइम उनको एक बार आपने पढ़ लिया ना, तो रिवीजन हो गया, तो हो सकता है उन्हीं 6000 क्वेश्चन से आपको PDF में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके वीडियो वो क्वेश्चन बने हैं, और अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं कई बार, और एक्सपेक्टेड हैं जो कि पूछे भी जा सकते हैं, तो उनको बिल्कुल इग्नोर मत करना। ठीक है, बाकी आंसर के से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप SSC GD आंसर की 2019 डाउनलोड रिटर्न एग्जाम पेपर सॉल्यूशन सेट्स SSC.NIC.IN पे आप कर ही सकते हैं। और यहाँ पे बताया कि 11 फरवरी से 11 मार्च तक पेपर चला था, और आंसर की सेट वाइज PDF डाउनलोड लिंक अवेलेबल हियर, यानी कि जब आप आंसर की डाउनलोड करेंगे वो PDF से डाउनलोड कर पाएंगे सेट वाइज, यानी कि आपका जो सेट होगा, जैसे कि आपने ग्रुप आपने मान लो फर्स्ट मीटिंग में पेपर दिया था, ठीक है, और आपका ए सेट था, बी, उसमें वो लोग लिखा होता है सेट क्या होता है, उसके हिसाब से आपकी खुद की PDF डाउनलोड होगी। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे आप सारी PDF से मिला सकते हैं, तो आपकी खुद की PDF डाउनलोड होगी जिसमें आपको क्वेश्चंस गलत कौन से हैं और सही कौन से है। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे, और 4 ऑप्शन में से आपने गलत कोई क्वेश्चन किया है, तो उसका वहाँ पे आपको लिख देंगे कि रॉन्ग आंसर, योर रॉन्ग आंसर, और राइट आंसर जो होगा वो वहाँ पे लिख देंगे। अगर आपका राइट आंसर होगा तो वहाँ पे ये लिखा रहेगा कि राइट आंसर। ठीक है, तो इससे आप ये मिला सकते हैं कि आपके टोटल कितने गलत हैं और टोटल कितने सही हैं। अगर आपके 50+ आ रहे हैं तो आप तो 100% सेलेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपका नंबर बढ़ेगा। अगर आपके 50+ नहीं आ रहे, 40 तक आ रहे हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है सेफ जोन में हैं। तो अगर आप 35-37 तक जा रहे हैं तो फिर सेफ जोन में नहीं है, थोड़ा रेड जोन में आ जाते हैं। लेकिन एक चांसेस होता है ST SC वालों के लिए कि हाँ, हो सकता है उनको सिलेक्शन मिल जाए, वो भी स्टेट वाइज के डिपेंड करता है कि किस स्टेट की क्या कट ऑफ जा सकती है। अगर आप लोग बताना कट ऑफ से रिलेटेड, तो मैं सोच रहा हूँ एक कट ऑफ से भी रिलेटेड एक अच्छा वीडियो बना दूंगा। तो अभी आपको बता दें कि SSC ने जो है फाइनली एक यहाँ पे नोटिस जारी किया है, अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे शायद दिख जाए या फिर नहीं दिखे तो मैं ये नहीं बता सकता, अभी मैंने चेक किया तो अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है शाम तक दिख जाए। तो SSC स्टॉप सिलेक्शन कमीशन SSC कांस्टेबल GD आंसर की डाउनलोड PDF, यानी वो तो सही बात है, PDF में ही डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे भी बताया है। तो लेटेस्ट अपडेट दिया है SSC ने कि SSC GD आंसर की विल बी डिक्लेयर सून विद इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2019 किम फॉलोइंग अस फॉर फ्यूचर न्यूज अपडेट, यानी कि SSC GD की लास्ट वीक को आप जो है आंसर की लास्ट वीक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक जो है 23 तारीख आज हो गई है, ठीक है, 23 तारीख हो गई, और 23 से 7 दिन में हो जाते हैं आपके 30 दिन टोटल, यानी 30 तारीख हो जाती है।
तो इसमें होगा क्या कि आपकी 23 से 30 के बीच में किसी भी दिन आपकी आंसर की आ सकती है, लेकिन 25 तारीख के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखो 25 तारीख के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, सीधी सी बात यह है, क्योंकि अगर वो लोग आंसर की जल्दी रिलीज नहीं करेंगे तो उसके बाद करेक्शन के लिए भी 8-10 दिन का टाइम होता है, ताकि हम लोग उस पर अगर कोई दिक्कत आए तो उस पर हम क्लेम भी कर पाएँ। तो उसके बाद फिर 31 मई को उनको रिजल्ट भी जारी करना है, फिर रिजल्ट भी बनाने में टाइम लगता है। तो इसलिए 25 तक आने के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं, परेशान ना होना। और 25 को अगर आंसर किया जाएगी तो मैं लाइव आके आपको बता दूंगा, क्योंकि सर्वर क्रैश हो जाएगा। टोटल 30 लोग उस साइट को विजिट कर रहे होंगे, 30 लाख लोग, ठीक है, तो उस साइट को विजिट कर रहे होंगे 30 लाख लोग, तो सर्वर हो जाएगा क्रैश। तो आप लोग लाइव आना, तो मैं ऐसा करूंगा कि वहाँ पे कैफे में रहूँगा, तो कैफे में सर्वर वगैरह ठीक ठाक चलता है, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर की बता दूंगा। आपकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर देना, आपको वहाँ पे सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।